आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। सीएम योगी ने नौकरियों का पिटारा खोल दिया है, जिसके तहत राजस्व विभाग में जल्द ही 11,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें लेखपाल से लेकर नायब तहसीलदार और सहायक पद शामिल है। सीएम योगी ने जल्द से जल्द इन पदों पर भर्ती करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकार आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें राजस्व विभाग के कामकाज और उपलब्ध मानव संसाधनों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग और राजस्व परिषद में काम के बदलते स्वरूप और अधिकता को देखते हुए दक्ष युवाओं की तैनाती की जाएगी। राजस्व विभाग में नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए तहसील, जिला, मंडल और राजस्व परिषद में आईटी में दक्ष लोगों को तैनात किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार और लिपिकीय संवर्ग के सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक जैसे पदों के लिए जहां पदोन्नति लंबित है, वहां तत्काल प्रक्रिया पूरी करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके तहत प्रदेश में करीब 11,000 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। ये प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। इनमें बड़े स्तर पर लेखपाल पद पर रिक्तियां हैं। जानकारी के मुताबिक राजस्व विभाग में 5,500 पदों पर सिर्फ लेखपालों की भर्ती होगी। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक के 1,600, लिपिक पदों पर 950 और नायब तहसीलदार के 300 पदों पर भर्तियां होनी हैं। अगर आप इन पदों पर नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द ही आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। सीएम योगी सरकार ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।